अजमेर की पुरानी मंडी में अव्यवस्थित पार्किंग लगातार विवाद का कारण बनी हुई है। स्थानीय पार्षद और व्यापारियों के बीच पार्किंग को लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है। आज एक बार फिर पार्षद व स्थानीय लोगों के साथ ही व्यापारियों के बीच कहासुनी सामने आई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। यह विवाद पुरानी मंडी में लगी अव्यवस्थित गाड़ियों के कारण हुआ, जिन्हें नगर निगम के निर्देश पर जब्त कर पार्किंग में खड़ी करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन फिर भी इन सभी गाड़ियों को व्यापारियों द्वारा पुरानी मंडी स्थित चौक में खड़ी कर दिया गया, जिन्हें आज फिर हटाया गया तो उसके बाद यह विवाद शुरू हो गया। फिलहाल इस विवाद को लेकर सोमवार को नगर निगम में बैठक आयोजित की जाएगी, जहां व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ ही पार्षद से बातचीत कर इसका समाधान निकाला जाएगा। जी मैम, किस तरह का विवाद देखने को मिला है और क्या? जो कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित पुरानी मंडी है, वहाँ पर पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दो पक्ष, एक तरफ जो पार्षद हैं वो प्लस व्यापारी जो हैं, उनके बीच में कुछ विवाद हुआ था, परंतु उसको दोनों मान गए हैं ढंग से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे बैठ के सुलझाने के लिए, इसलिए वो सॉल्व हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मीटिंग आयोजित की जाएगी नगर निगम द्वारा, जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद रहेंगे और इसका कैसे निराकरण कराया जा सकता है कि वहाँ के रहने वालों को भी समस्या नहीं हो और जो व्यापारी हैं उनकी भी पार्किंग ठीक से हो जाए और जो कस्टमर आते हैं उनको भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आज क्या निर्णय लिया? आज निर्णय यही लिया गया है कि सोमवार को नगर निगम में मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स, जो वहाँ के निवासी गण हैं, जो व्यापारी गण हैं, वो अपनी बातें रखेंगे सामने और इसका जल्द से जल्द कैसे निस्तारण किया जा सकता है, कोई अल्टरनेट पार्किंग व्यवस्था अगर जल्दी डेवलप की जा सकती है, उन सबको लेके वहाँ पर मुद्दों पे डिस्कशन किया जाएगा। जी आज ये आज नहीं, इससे पूर्व भी नगर निगम यहाँ पे आया और यहाँ पार्किंग को हटा के गया, फिर इन्होंने दो दिन बाद पार्किंग हटा दी और आज वापिस लगा दी। तो वापिस ट्रैफिक की सहयोग से और डिप्टी मैडम छवि शर्मा की तरफ से यहाँ पे आज आए और इनको पार्किंग हटाई। मैडम ने कहा कि भाई यहाँ पे पार्किंग अवरुद्ध हो रही है, यहाँ पे रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, आम जन को समस्या है, उस वजह से वो आज हटाने की कार्रवाई करी गई। सोमवार को समझाइश के लिए बुलाया गया और यहाँ के अध्यक्ष ने मुझे मारने की धमकी दी है और मैं क्षेत्रीय जनता की तरफ से आज चुना गया हूँ, प्रतिनिधि हूँ, मैं क्षेत्रीय जनता के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हूँ, यदि मेरे प्राण चले जाएंगे वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ क्षेत्रीय जनता के लिए। क्षेत्रीय जनता के लिए मैं चौबीस घंटे तैयार रहता हूँ और यहाँ पे आपातकालीन सेवा कोई भी नहीं होती है, ना एम्बुलेंस आ सकती है और फायर की गाड़ी नहीं आ सकती है, कभी कोई दुकान में आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए गाड़ी भी नहीं आ सकती है, किसी को हार्ट अटैक हो, कोई बुजुर्ग महिला, कोई भी हो, बीमार हो, उसके लिए ऑटो आने के लिए तैयार नहीं होता है। मेरा नाम अशोक मुद्गल, वार्ड पार्षद 69।